चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब चौराहे पर रोष के रूप में बदल गई। इंदौर के द्वारिकापुरी थाने के सामने चौराहे पर बुधवार को समय हंगामा मच गया, जब बड़ी संख्या में किन्नर द्वारिकापुरी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे और देखते ही देखते कुछ किन्नरों ने एक एक कर अपने कपड़े उतारे और थाने के सामने ही बेशर्मी का नंगा नाच मचा दिया। बुधवार को करीब आधा दिन बीतने के बाद द्वारिकापुरी थाने के सामने चौराहे पर उसी क्षेत्र के रहने वाले किन्नरों ने आरोप लगाया कि नंदलालपुरा क्षेत्र के किन्नरों द्वारा उनको लंबे समय से विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। किन्नरों का आरोप है कि उनके प्रतिद्वंदी कुछ किन्नर उन्हें पकड़कर मारते पीटते हैं और उन्हें HIV इंजेक्शन जबरदस्ती लगा रहे हैं। कुछ किन्नरों ने मीडिया के सामने कहा कि उनके बाल काटकर उन्हें गंजा तक किया गया है। आखिर में प्रताड़ना से तंग आकर द्वारिकापुरी किन्नर गुट ने पुलिस थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वियो लास्ट शहर में वर्चस्व और नेक लेने से शुरू हुए विवाद में एक गुट थाने पर पहुंचकर किन्नरों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। टेक शहर में वर्चस्व और नेक लेने से शुरू हुए विवाद में एक गुट थाने पर पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस द्वारा प्रताड़ित किन्नरों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है, वही मामले की जांच शुरू कर दी है। उनको बुलाओ यहाँ पे।